ओम शिव दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा, आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त, आपका विश्वास पात्र। दोस्तों आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल 2020। दोस्तों आज संक्रांति का दिन है। संक्रांति हम एक खास उत्सव होता है ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष की गणना में। आज के दिन सूर्यदेव ऊंच के होते हैं। सूर्यदेव का अर्थ है, सूर्यदेव हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों सूर्यदेव का ऊंच का होना एक नई ऊर्जा ले, ऊर्जा का संचार होगा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे बीच में आएगी, कई रोग शोक और दोषों का नाश होगा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन के साथ। दोस्तों जैसे पूरी दुनिया कोरोना नामक महामारी से पीड़ित है, विचलित है और परेशान है, हर तरफ कोरोना ने त्राहिमाम 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 करवाई हुई है। अब सूर्यदेव के ऊंच होने से, ग्रह गति के चेंज होने से इस महामारी से हमें छुटकारा मिलेगा, ये निश्चित तौर पे बात अखंड रहेगी और अप्लाइएबल होगी। दोस्तों आने वाला एक मंथ, जो एक महीना है, इस महीने के अंदर अंदर कोरोना वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया में से खत्म होता आपको दिखाई देगा, इस बात के ऊपर कृपा ध्यान रखना और गौर देना। दोस्तों हम सबसे पहले आज के कैलेंडर की बात करते हैं। आज मंगलवार का दिन है, संक्रांति का दिन है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। जो जातक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए थोड़ा सा आज का दिन कष्टकारक है, थोड़ा सा सेहत के लिहाज से या थोड़ा सा वो मेंटली डिस्टर्ब परेशान रहेंगे। दोस्तों बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक, सूर्यदेव मेष राशि में ऊंच के हो रहे हैं, मतलब इस राशि में कुछ खास ही प्रभाव रहेगा, उनके ऑफिसर्स, उनके सीनियर्स उनकी बात सुनेंगे, हर तरफ उनका रुतबा रहेगा और उनका दबदबा बना रहेगा। वृष राशि, वृष राशि के जातक अपने खान पान का ध्यान रखें, किसी से उलझे नहीं, लड़ाई झगड़े से बचें, नहीं तो कोई बड़ा एलिगेशन, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। मिथुन राशि, दोस्तों मिथुन राशि के जातक थोड़ा सा अपना जल्दबाजी वाले प्रभाव से बचे, जल्दबाजी इनके लिए घातक हो सकती है। कुछ भी करना, कुछ भी नया करने से पहले सोच विचार करें, विचार विमर्श करें, दूसरों की सलाह लें, नहीं तो आपके लिए आज का दिन थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है और आपको फ्यूचर में इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कर्क राशि वाले जातक यात्रा से बचे, यात्रा नुकसानदायक हो सकती है, कहीं भी ना जाए, सोच विचार करें, अपने घर में स्थिर रहें, नहीं तो आज आपके लिए कहीं सरकार से कोई बुरी खबर मिल सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव आज ऊंच के हो रहे हैं, इनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है, बहुत शुभदायक है, हर तरफ से सुख सौभाग्य और उन्नति की खबर मिल सकती है, मन प्रसन्न रहेगा, मन खुश भी रहेगा। कन्या राशि वाले जातक थोड़ा सा अपना कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने बड़ों की सलाह लें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, बड़ों की बात माने, नहीं तो कोई एलिगेशन लग सकता है, घर में मन मुटाव हो सकता है, सीनियर्स और आपके दोस्ताना संबंध खराब हो सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के जातक अपने हीन भावनाओं का त्याग कर दें, प्रसन्नता को अपनाएं, भगवान शिव शंकर के शरण में जाएं, भगवान शिव शंकर के ओम नमो शिवाय का जाप करते रहें, हर प्रकार से हीन भावना का नाश हो जाएगा और मन प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जो कि अपनी ऊंच राशि में चल रहे हैं, इस समय इनका समय अनुकूल है, ये जो भी ट्राइज कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, इन सबका रिजल्ट इनको एकदम अचानक ही मिलेगा। दिन समय आपके लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है, कुछ भी आपको उपाय नहीं करना है, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु जो कि नीच राशि में चल रहे हैं, थोड़ा सा आलस्य रहेगा, थोड़ा सा सेहत भी खराब हो सकती है, ओवर ईटिंग से बचें, किसी फिसलन वाली जगह पे ना जाएं, पैर फिसलने का डर है, चोट लगने का डर है, बचें। मकर राशि, मकर राशि में गुरु शनि और मंगल तीनों का संचार है, ये राशि, इस राशि का भाग्य उदय होने ही वाला है, ये जो भी सोच रही हैं, जो भी इनकी प्लानिंग है, सब धीरे धीरे एप्लीकेबल होगी,
बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। भगवान पे विश्वास रखिए और अगर हो सकता है तो अपने घर की सफाई ढंग से कीजिए, अपने घर की छत जरूर साफ कीजिए। ऐसा करने से सोया हुआ भाग्य उदय होगा और आपको मनोवांछित फल मिलेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक आलस्य का त्याग करें, मन में नेगेटिव एनर्जी है उसको उसको छोड़ दें। खुश रहें, अंदर से खुशी आएगी तो बाहर से जो भी आपके प्लानिंग चल रही है, जो भी आपके कार्य पाइपलाइन में है, वो सब कुछ सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा क्योंकि आपके अंदर परमात्मा का वास है। इसलिए आप दुखी होते हैं तो इसका अर्थ यह है कि अंदर परमात्मा भी दुखी हो रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक खास ध्यान दें, परेशानी और भय का त्याग करें, प्रसन्न रहें। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक थोड़ा सतर्क रहें, जल्दी किसी पर विश्वास ना करें, कहीं से धोखा मिलने के पूरे चांसेस हैं। उम्मीदें जो जिनसे आप उम्मीद लगा के बैठे हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ये आज का राशिफल था। मैं ऐसी कामना करता हूँ आप सबका दिन मंगलमय हो, सबकी मनोरथ पूरे हो और हम इस महामारी से जल्दी मुक्त हों। हम सब मिलके भगवान शिव शंकर से, गौरी शंकर से, गौरी नंदन से ये प्रार्थना करते हैं, हम सब इस कोरोना नामक बीमारी से, दुनिया में से इसका नाश हो। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव।